ठीक है पहुंच गए न आइडियली स्पीकिंग ये चैप्टर जो है ये एक तरह का जुडिशरी चैप्टर है जुडिशरी चैप्टर का मतलब ये होता है ना इसके अंदर कॉन्सेप्ट कम आते हैं प्रोसीजर 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 बहुत ज़्यादा आते हैं ठीक है मतलब एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ रट्टाफिकेशन इज इन्वॉल्व जो चीज़ कंसेपचुअल होता है क्या है, वो तो समझ लिया और काफ़ी हद तक अपने लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर दिया ऑल राइट right. लेकिन ये वाला मतलब कंसेप्ट कम है फैक्ट्स और डेटा इमेंस है मतलब फैक्ट्स भरे पड़े हैं ऐसे होगा ये होगा वो होगा वो होगा लाइक like दैट तो जितनी बार मतलब जब तक तुमको रट्टा नहीं हो जाएगा ना तब तक तो कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला इसमें वाइल राइटिंग इन एग्जाम नॉर्मली इस टाइप के जो चैप्टर्स होते हैं नॉर्मली इस टाइप के चैप्टर्स दे आर अन इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम बट क्योंकि अब ये करंट टर्म मे 17 का अमेंडमेंट है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है मतलब इंपॉर्टेंट है पर मे 17 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और धीरे धीरे क्या होगा ना मतलब जैसे जैसे हम लोग आगे मूव करते जाएंगे इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस ऐसे करते डिक्लाइन करते जाएगा एकदम डिक्लाइन करेगा ठीक है तुम बोल लो मैक्स टू मैक्स मैं बोल रहा हूँ मे सत्रह नहीं तो नवंबर सत्रह उससे ऊपर इसका औकात नहीं है ठीक है इसमें क्या क्या मुद्दे आएंगे मैं एक एक करके बता रहा हूँ तब जाके तुमको फील आएगा थोड़ा चैप्टर के बारे में सेक्शंस का रेंज तो तुमको आंख के सामने दिख ही रहा है चार सौ सात से लेकर चार सौ चौंतीस फोर ज़ीरो सेवन से लेके फोर हंड्रेड एंड थर्टी फोर और मैंने तुमको बता भी दिया था कि पहले ही 407 से लेके 414 ये तो पहले ही नोटिफाई हो चुका था बट दिस वॉज नॉट मेड एप्लीकेबल फॉर एग्जाम और अब इन्होंने क्या किया फर्स्ट जून को 415 से लेके 434 भी कर दिया तो ये पूरा चैप्टर ही नोटिफाइड हो गया ना तो अब इन्होंने बोला यस एप्लीकेबल फॉर एग्जाम तो एनसीएलटी से आज तक एक बार भी फाइनल में क्वेश्चन नहीं आया एक बार भी नहीं आया अभी आएगा अभी, अभी पूरा चैप्टर नोटिफाई हो गया तो अब आएगा बट रिपीट कर करके बार बार बोले जा रहा हूं इट्स अ कंप्लीट प्रोसीजर बेस्ड सेक्शन नॉट कंसेप्ट बेस्ड सेक्शन या ऐसा नहीं है कि मैं एक सेक्शन उठाऊंगा और डीप कंसेप्ट में घुस जाएंगे समझेंगे नहीं मोर ऑफ लाइक रट्टा कि मेरे को अच्छे से याद होना चाहिए खैर रट्टा इज़ ऑल्सो नॉट एन आसान थिंग कि ऐसे पढ़ा और खटाक से याद हो गया बिकॉज इतना ज़्यादा डेटा है ना कुछ देर के बाद ही मतलब पढ़ते ही इंस्टेंटेनियस भूलना है पढ़ा और इंस्टेंटेनियस भुला तो इसके लिए उपाय क्या उपाय है देखो कुछ सेक्शंस इसमें से ऐसे हैं जो बेकार है बेकार मतलब दो दो लाइन दो दो लाइन दो दो लाइन चार चार लाइन वैसा तो उनका तो कोई औकात इज्जत बनता नहीं है पहली बात दूसरा कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो लेंदी है जिनमें डेटा ज्यादा है तो उन सेक्शंस को क्या करूंगा ना डायग्रामेटिक फॉर्मेट में पुट करूंगा ठीक है वो डायग्राम तुम्हारे पास कॉपी नोट्स के फॉर्म में हमेशा रहेगा जब भी कॉपी नोट्स देखोगे पूरा याद आ जाएगा फिर तो मिट के रीड मारते रहो ना कोई दिक्कत नहीं है ठीक है पहले कॉपी ठीक है पहले कॉपी नोट्स तो वो कॉपी नोट्स जो है वो तुमको तो याद करने में ना जबरदस्त हेल्प करने वाला है आई यू क्लियर ऑन दिस तो इस पर वर्क करना चालू करते हैं एनसीएल एंड नेकलैट ना मेरी बात को सुनो इस चैप्टर में फॉर्म नंबर्स का अभाव है मतलब यू डोंट हैव टू मेनी फॉर्म नंबर्स एक टू मेनी का एक भी फॉर्म नंबर नहीं है ठीक है दूसरा आता है रूल्स ये प्रोसीजरल चैप्टर है ना ये चैप्टर का सेक्शन ही प्रोसीजरल है ये चैप्टर का सेक्शन ही प्रोसीजरल है तो रूल्स तो महा प्रोसीजरल है जैसे रूल्स में क्या दिया हुआ है इनकी सैलरी का स्केल एन के जो मेंबर होंगे ना उसको सैलरी कितना मिलेगा उसकी सैलरी का स्केल क्या होगा इट इज लाइक दैट सैलरी का स्केल वगैरह के बारे में पूरा डिस्कशन किया हुआ है तो इसके रूल्स में भी एफर्ट नहीं जाता है तो इट इज़ वन ऑफ द न्यू चैप्टर्स जहां मेहनत बिकम्स ड्रास्टिकली लेस ड्रास्टिकली मेहनत हम लोगों की गिरती है कारण फॉर्म नंबर है नहीं रूल्स है नहीं आज याद करो अभी हम लोग इस बुक के एंड पे खड़े हैं डायरेक्टर्स का जो पूरा पोर्शन पढ़ा था कितना अठारह बीस क्लास कुछ लगा होगा वहाँ टाइम क्यों लगा वहाँ टाइम इससे लगा बिकॉज कंसेप्चुअल था एक एक चीज़ बैठ के पूरा कंसेप्चुअली बताओ फिर दूसरा जब कंसेप्ट बता दिया तो उसके बाद धनाधन कॉन्ट्रोवर्सीज और डाउट्स पैदा होता है और केसेस पैदा होता है वो डिस्कस करो तीसरा फॉर्म नंबर बीच में घुस जाता है चौथा कई बातें एक्स्ट्रा रूल्स में दी हुई है वो पढ़ना पड़ जाता है ना यहाँ कंसेप्ट है ना कॉन्ट्रोवर्सी है ना कंसेप्ट है ना कॉन्ट्रोवर्सी है तो टाइम तो बचा ऊपर से रूल्स और फॉर्म नंबर्स भी दिमाग नहीं लगाने वाला है तो उसमें भी टाइम बच गया तो उस लिहाज से इसका जो साइज है कम हो जाता है प्रिपरेशन वाइज लेकिन जितना भी है जो भी साइज हो जाता है इट डिमांड्स एफर्ट टू मेमोराइज डन है नीचे देखो एक बार मैं तुमको स्टार करवा रहा हूं ठीक है पेज नंबर टू फिफ्टी वन पे हो कौन कौन से सेक्शंस स्टार के लायक है एम टेलिंग यू स्टार या टिक मार लो टिक भी चलेगा टिक कर लो ठीक है 409, 411, 412, 413, 415, 417, 419, 400 Twenty four twenty one, four twenty two, four twenty three, four twenty four, four twenty nine, four thirty four. So these are the sections, but please. जितना मैंने टिक कराया है ना उसको काउंट करके बोलो ना कितना है 14, 14 जो काउंट टिक किया वो 14 है और 407 से फोर थर्टी फोर एक बार ट्वेंटी हो रहा है ना तो 50 परसेंट हुआ लगभग ठीक है सो इट दैट फिफ्टी परसेंट इज़ टिक टिक बाकी छोटे छोटे हैं या फिर अनइम्पॉर्टेंट जिसे सेट करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा अरे कोई बंदा अगर आपके लिए चार माह का क्वेश्चन सेट कर रहा है तो उसको भी तो मालूम होना चाहिए कि उसके आंसर में एक लेंथ है चार माह का तब तो डालेगा। वो डालेगा वरना हो क्या डालेगा तो बाकी वाले सेक्शंस उस तरह के हैं तो जब तुम इस चैप्टर को पढ़ो तो मैं तो तुमको बोल ही रहा हूँ बार बार कि भूलोगे अभी आज आज सवेरे की बात है ठीक है रोज इस तरह का एस एम आता है इसमें कोई बात नहीं है सवेरे एस एम एक स्टूडेंट का ठीक है नहीं पता अच्छा एसमएस था ठीक है कि वो ये था कि भाई पढ़ रहे हैं पढ़ते इमीडिएटली भूल रहे हैं पढ़ रहे हैं इमीडिएटली भूल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा आई एम स्ट्रगलिंग ठीक है तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है ये नेचुरल है मैं कई बार बोल रहा हूँ कि तुम जितना ज़्यादा पढ़ोगे ना उतना ज़्यादा भूलोगे भी बिकॉज तो माइंड में एक नॉलेज को जमाने के अंदर टाइम लगता है ठीक है जो एक नॉलेज बैठ जाता है ना माइंड में नेचुरल तुम्हारे ब्रेन का हिस्सा बन जाता है इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम और जो चीज तुमने जल्दी ब्रेन में चला गया एकदम फटाफट और फिर दोबारा कभी वो आया नहीं वो जल्दी ब्रेन के निकल भी जाता है प्लस बिकॉज ऑफ योर एग्जाम्स एंड ऑल यू आर एक्सपोज टू लाइक 800 मार्क्स का प्रिपरेशन तो तुम जितना ज़्यादा वैरायटी पढ़ेगा ना वैरायटी और धनाधन पढ़ेगा उतना तुम फटाफट भूलेगा तो वो कोई हेडेक वाली बात नहीं है उसके लिए हमेशा यू हैव टाइम बिफोर एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम के पहले अपने को वो मिलता है ना क्या बोलते हैं उसको वो तो हाँ एक डेढ़ दिन का गैप मिलता है वो गैप होता ही इसलिए है कि तुम उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पर फोकस कर पाओ और याद रख पाओ बाद फिर इंस्टेंटेनियस भूलना होगा ही तो वो नेचुरल है यहाँ इस चैप्टर में जब मालूम ही है कि मेमोरी बेस्ड और भूलना पड़ेगा तो जब पूरा चैप्टर पढ़ लिया ख़त्म हो गया तब जिनको टिक कराए ना उनको जाके अच्छे से याद कर लो कोशिश करना बहुत हार्ड है कोशिश करना सेक्शन नंबर याद हो जाए जितने भी अमेंडमेंट वाले चैप्टर्स होते हैं ना नए चैप्टर्स होते हैं उसमें स्टूडेंट लोगों को सेक्शन नंबर याद नहीं रहता है समझ आ रहे हैं अभी मैं तुमको बोलूँगा रिलेटेड पार्टी लोन वन ठीक है समझ में आ रहा है पर वो तो पुराना हो गया ना ये अमेंडमेंट वाला चैप्टर है इसमें क्या होगा कि जब सारा स्टूडेंट लोग बैठ के एग्जाम हॉल में आंसर लिख रहा होगा किसी को सेक्शन नंबर नहीं आता उस वक्त सबको थोड़ा बहुत बात याद आएगा मुश्किल से और मतलब स्ट्रगल करके लिख के आ जाएंगे चार में से दो तुम अगर वहीं पे ना उसका सेक्शन नंबर बोल देगा कि अच्छा ऐसे से ये सेक्शन नंबर एज पर सेक्शन नंबर दिस तो तुम्हारी कॉपी एकदम डिफरेंट हो जाएगी कंपेयर टू तो अदर्स तो उसी पोर्शन में यू विल गेट फोर आउट ऑफ फोर तो कोशिश करना जो मैं मार्क् करा वो सेक्शन नंबर ज़्यादा रह जाए ओके स्टार्ट करते हैं अंदर डेफिनेशन कॉपी में हेडिंग दे दिया गया ये वाला अब इस सिंगल डायग्राम से कितना आगे तक का सेक्शन याद हो गया है एक सिंगल डायग्राम से सॉरी सॉरी इसको जल्दी कॉपी करके बोलता हूँ ठीक है डिस्कशन टू जुडिशरी बॉडीज ये गवर्नमेंट का कौन सा विंग है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशरी जुडिशरी तो दीज आर वॉट टू जुडिशरी बॉडीज याद रखना कभी भी गलती से ये मत बोल देना कि जुडिशरी बॉडी स्टैब्लिश बाय एमसीए और अंडर एमसीए। नेवर एवर कोई भी जुडिशियरी किसी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आ सकता है ठीक है जुडिशरी जितने भी होते हैं उनके लिए मिनिस्ट्री एक ही है एम एल जे एम एल जे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस फिर से रिपीट कर रहा हूं। जितनी भी जुडिशरीज होती हैं उनका एक ही मिनिस्ट्री होता है कौन सा मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और उसमें भी याद रखना कि दे यू कैन नॉट से दैट दैट पर्टिकुलर जज और द जुडिशरी बॉडी वर्क्स अंडर एम ऐसी भाषा नहीं यूज की जाती ठीक है बिकॉज मिनिस्ट्री का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव विंग और जुडिशरी मतलब होता है टोटली इंडिपेंडेंट जुडिशियरी के पास अधिकार है कि वो एग्जीक्यूटिव को ऑर्डर दे सके तो तुम कभी भी ये मत बोलो कि किसी मिनिस्ट्री के अंदर आता है यहाँ पे पूरे चैप्टर में जब सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड यूज़ होता है तो तुम सेंट्रल गवर्नमेंट ही बोलेगा

सेंट्रल गवर्नमेंट एन लाया होगा एन फुल फॉर्म नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल यहाँ लाया था क्या तारीख था फर्स्ट जून 2016 so, तो मिड ऑफ़ द ईयर तो एक्जैक्टली नहीं है मिड ऑफ़ द ईयर तो होता है फर्स्ट जुलाई बट याद रखो फर्स्ट जून 2016 को ये इस्टेब्लिश हुआ था दो जुडिशरी बॉडीज़ है लोअर का नाम क्या है एनसीएलटी शॉर्ट में इसको ट्राइब्यूनल बोलते हैं क्या बोलते हैं शॉर्ट में ट्राइब्यूनल बोलेंगे और इसको क्या बोलते हैं नकलैट शॉर्ट में क्या बोलेंगे एपलेट ट्राइब्यूनल ऑब्वियसली तुमको समझ में आ रहा होगा कि एनसीएलटी जो भी ऑर्डर पास करेगा उसके खिलाफ अग्रीव्ड पार्टी कहां जाके अपील कर सकता है एपलेट ट्राइब्यूनल इतना तो तुम समझ ही रहे हो जो भी अग्रीव पार्टी होगा आज अगर ट्राइब्यूनल तो कोर्ट जैसा हुआ ना तो एक प्लेटिव होगा एक डिफेंडेंट होगा प्लेटिव मतलब जिसमें जिसने मुकदमा किया है डिफेंडेंट मतलब जो बचाव कर रहा है अपना डिफेंड कर रहा है तो ट्राइब्यूनल ऑर्डर जब पास करेगा या तो वो प्लेन के फेवर में होगा या वो डिफेंडेंट के फेवर में होगा अरे दोनों का थोड़ा बोलेगा एक दूसरे के साथ वो आटा बाटा कर लो वैसे थोड़ा होता है एक के फेवर में रहेगा तो जिसके फेवर में रहेगा वो तो हैप्पी है जिसके नॉट फेवर में है, वो अपील करेगा वो किधर जाके अपील करेगा एपलेट ट्राइब्यूनल अच्छा जब भी हम लोग जाके कहीं अपील करते हैं तो देर इज टाइम लिमिट और नॉट देर इज टाइम लिमिट और नॉट वॉट इज द टाइम लिमिट ये सब बाद में आने वाला है ओके okay. फिर भी मैं अभी एक बार बोल रहा हूँ इससे क्या क्लास में डबल ट्रिपल रिविजन हो जाता है शुरू का स्टोरी हमेशा सबको याद रहता है तो अगर मैं यहाँ से दुखी हो गया मतलब मान लो दो जन के बीच में केस हुआ गए बोलो ट्राइब्यूनल में और एक जन जीत गया एक जन नॉट जीता या हार गया तो वो अपील किधर कर सकता है नेकलाइट में कितने दिन में अपील कर सकता है सुनो फोर्टी प्लस फोर्टी क्या फोर्टी प्लस फोर्टी क्या मतलब इसका समझ में आ रहा है फोर्टी डेज के अंदर अपील करना है लेकिन अगर नहीं कर पाया तो एपलेट ट्राइब्यूनल मुझे ऑन सफिशेंट कॉज बींग शोन On sufficient cause being shown, या मुझे और कितने की मोहलत दे सकता है बोलो फोर्टी फाइव डेज तो इससे आंसर क्या होगा बोलो फोर्टी फाइव प्लस 45, 45 प्लस फोर्टी फाइव ये एकदम क्लियर है क्या ये जा रहा है इधर अपील कर सकता है अच्छा अक्सर हम लोग जब ये कानून पढ़ते हैं कोई भी कानून पढ़ते हैं तो हम लोग को मालूम होता है देर आर डबल लेयर ऑफ अपील डबल लेअर तो ये तो फर्स्ट लेवल ऑफ अपील हो गया ना एक लेयर हो गया अभी अगर मैं इससे भी दुखी हूं तो अगर मैं नेकलाइट के ऑर्डर में भी तो अगेन अब इसके पास मुकदमा जा रहा है तो फिर एक जीतेगा एक हारेगा तो जो हारेगा वो फर्दर अपील कहां कर सकता है अब की बार सीधा सुप्रीम कोर्ट अब की बार सेकेंड लेवल ऑफ अपील किधर सीधा सुप्रीम कोर्ट अच्छा अगर मुकदमा यहां से सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है तो अगेन आई रिपीट टाइम लिमिट होगा अक्सर नॉट ऑलवेज बट अक्सर जब मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में जाता है ना तो उसके लिए टाइम लिमिट होता है 60 प्लस 60 60 प्लस 60 मतलब फिर समझ में आ रहा है यहाँ से अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो कितने दिन में जा सकते हैं साठ दिन लेट हो गया है ऑन सफिशियन कॉज बी शोन कितने का और टाइम लिमिट मिल सकता है सिक्सटी डेज का और टाइम लिमिट हम लोग को मिल सकता है तो यहाँ से वहाँ जाना है फोर्टी प्लस फोर्टी फाइव यहाँ से ऊपर जाना है सिक्सटी प्लस सिक्सटी ये क्लियर है एकदम अच्छा <coughs> अब ये ट्राइब्यूनल जो बना है कौन बैठेगा ट्राइबूनल में जजेस कौन बैठेगा जजेस टाइप के लोग ठीक है तो जो लोग बैठते हैं ना ट्राइब्यूनल के अंदर या ट्राइब्यूनल में हम लोग उसको क्या बोलते हैं सुन लो पहला ये बंदा प्रेसिडेंट और इस केस में क्या बोल रहे हो चेयर पर्सन अब ये हो गया ना रट्टा वाली बात कि मैं कहीं घुमा दिया तो चेयर पर्सन प्रेसिडेंट समझ में आ रहा है तो याद रखना शांति से कभी मिस्टेक नहीं प्रेसिडेंट वर्ड बोला अगर एग्जाम में तो उसका मतलब किधर जाएगा वो नैकलैक्ट नेकलैक्ट या ट्राइब्यूनल ट्राइब्यूनल और चेयरपर्सन बोला तो एपलेट ट्राइब्यूनल ठीक है तो ये अब हो गया ना थोड़ा याद करने के लिए दिक्कत ठीक है अब देखो छिछौरा बनती है बट ठीक है ओके प्रेसिडेंट चेयरपर्सन ठीक है याद रहेगा ये प्रेसिडेंट चेयरपर्सन और एक मिस्टेक चेयरमैन नहीं है चेयर पर्सन है ठीक है नॉट चेयरमैन चेयर पर्सन छोटा छोटा चीज़ है जब लिखने बैठते ना तब अचानक से याद आता है अभी क्या था याद नहीं आ रहा है अभी तो फील नहीं आएगा ना अभी तो ठीक यहाँ चलते जा रहे हैं तो याद रखो इधर क्या पी सी पी फॉर प्रेसिडेंट उधर क्या सी फॉर चेयर पर्सन यहाँ तक क्लियर है अच्छा इनके नीचे वाले जो बंदे हैं इनके नीचे वाले जो बंदे हैं उसको अपने क्या बोलते हैं मेम्बर्स क्या बोलते हैं मेम्बर्स प्रेसिडेंट के नीचे जो बंदा लोग हैं और चेयरपर्सन के नीचे जो बंदा लोग उसे तो क्या बोलते हैं मेंबर्स ये लोग भी जजेस वजेस टाइप का है अब ध्यान से सुनो मेंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स टू टाइप्स जुडिशियल मेंबर टेक्निकल मेंबर जुडिशियल मेंबर टेक्निकल मेंबर जे एम मत सब लिखा हुआ नीचे ना फुल फॉर्म क्यों लिख रहा है जे एम मतलब जुडिशियल मेंबर टी एम मतलब टेक्निकल मेंबर इधर भी जे एम मतलब जुडिशियल मेंबर एम मतलब टेक्निकल मेंबर ठीक है तो यू पीपल हैव गॉट टू टू टाइप्स टाइप्स ऑफ ऑफ मेंबर्स मेंबर्स क्या नाम मेंबर टेक्निकल मेंबर अच्छा काफी हद तक नाम सुन के ना गैस कर पा रहे हैं ठीक है यह आदमी जज वज टाइप का होगा इधर ये भी जज टाइप्स के होंगे ओके पर ये टेक्निकल मेंबर्स है मतलब ये एक्सपर्ट्स होंगे कौन होंगे ये लोग बता रहा हूं इसका काफी आंसर्स है बहुत सारा आंसर्स है पर एक बार ऑलमोस्ट सी एस सी एस सी डब्ल्यू ए होता है प्रैक्टिस वाला सी ए सी एस सी डब्ल्यू ए जो लास्ट पंद्रह साल से प्रैक्टिस में दे आर क्वालिफाइड टू बिकम टेक्निकल मेंबर्स ओवर हियर टेक्निकल मेंबर बन सकता है ठीक है अच्छा कुछ लीगल सर्विस वाले भी हैं मतलब लॉ वाले भी कुछ हैं जजेस वजेस भी इसमें होते हैं ठीक है तो यहाँ पर टेक्निकल मेंबर मतलब हु कैरीज एन एक्सपर्टीज इन सर्टेन एरिया और सर्टेन फील्ड और जुडिशियल मेंबर तो समझ में आ रहा है वो जज से उठा डाला के डाला गया ठीक है

छह टाइप के मेंबर्स हो गए मेरे पास सिक्स टाइप्स ऑफ मेंबर्स यहाँ समझ में आ रहा है सिक्स टाइप्स ऑफ मेंबर्स हो गया है मेरे पास पक्का इनका क्वालिफिकेशन का लिस्ट वहां नीचे लिखा होगा कि प्रेसिडेंट बनने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है जेएम बनने के लिए क्या है इधर चेयरपर्सन जे एम टी एम बनने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है पक्का एक क्वालिफिकेशन का लिस्ट होगा होगा कि नहीं होगा पक्का एक क्वालिफिकेशन का लिस्ट होगा ना विच यू वन हैज टू फॉलो इधर भी फॉलो करना है और उधर भी फॉलो करना है ठीक है वो क्वालिफिकेशन का लिस्ट अब एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशन मैंने दिया है यहां पर आने के लिए यहां पर आने के लिए मिनिमम एज कितना चाहिए फिफ्टी ईयर्स मिनिमम एज कितना है फिफ्टी ईयर्स जुडिशरीज जुडिशरी बॉडीज के अंदर क्या होता है ना एक मिनिमम एज का थ्रेस फिक्स किया जाता है अब इसका रीजन खाली एक बोला जा सकता है कि विथ एज कम्स मचॉरिटी एक्सपीरियंस दिस दैट हालांकि दैट इज ऑलवेज यू नो डाउटफुल ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप एक सर्टेन एज को पार कर लोगे तो आप बहुत मच्योर हो जाओगे फॉरगिविंग हो जाओगे या एक्सपीरियंस हो जाओगे ऐसा नहीं है जो जैसा होता है वैसा ही रहता है ठीक है पर मतलब जब लॉ बन रहा है तो एक फिर भी एक रीजनेबल एजम्पन के हिसाब से मूव किया जाता है अकॉर्डिंगली दे हैव पुट दिस क्राइटेरिया यहाँ पर पूरा ये जो रेंज दिख रहा है ना ये पूरा छः जन के इसमें मिनिमम एज कितना है फिफ्टी ईयर्स अच्छा इनका टेनर कितना है? इधर इधर देखो फाइव प्लस फाइव समझ में आ रहा है एक बार में अपॉइंटमेंट के बाद ट्रेनर कितना है पाँच साल का फिर से रीअपॉइंट हो सकता है कितने के लिए पाँच साल के लिए अच्छा अब इनकी कोई रिटायरमेंट एज होनी चाहिए भाई निकलो रिटायरमेंट एज मतलब निकलो अच्छा इनकी रिटायरमेंट एज देख रहे हो सबका सिक्सटी पार है चेक करो सबका रिटायरमेंट एज क्या दिख रहा है सिक्सटी प्लस दिख रहा है ना तुमको क्योंकि ये कोई होल टाइम एम्प्लॉई थोड़ी ना ये तो जज है ना नॉर्मल Normal, नॉर्मली मैं बता देता हूँ आजकल कल कॉरपोरेट्स में रिटायरमेंट एज होता है फिफ्टी एट गवर्नमेंट के भी कई डिपार्टमेंट्स में रिटायरमेंट एज होता है फिफ्टी एट इट्स नॉट इवन सिक्सटी ठीक है पहले कभी सिक्सटी फाइव हुआ होगा तो हुआ होगा फिर सिक्सटी हो गया था अभी तो हो गया वो फिफ्टी एट फिफ्टी एट इज द रिटायरमेंट एज इन जनरल बट जज है इसको करना क्या खाली बैठ के कुर्सी पर वही तो वो मतलब जज ही तो है और क्या है तो इसका काम कोई वैसा हेक्टिक टाइप तो है नहीं ना मतलब कोई होल टाइम जॉब है तो इनकी रिटायरमेंट एज थोड़ी सी पुश की गई है याद करने लिए देखो 65, 65, 65, 67, 67, 70. 65, 67, 70। मेरे पास तीन नंबर हैं सिक्सटी फाइव सिक्सटी सेवन सेवेंटी सिक्सटी फाइव सिक्सटी सेवन 67, सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव सिक्सटी सेवन सिक्सटी सेवन सिक्सटी सेवन ठीक है इस तरह से इनका पूरा रिटायरमेंट एज डिसाइड किया गया है मिनिमम एज 50 साल रिटायरमेंट एज 65 फाइव ओब्लिक सिक्सटी सेवन ओब्लिक अच्छा इनका टेंडर ऑफ अपॉइंटमेंट कितना 5 प्लस 5 ठीक है अच्छा ऐसा हो सकता है ना कि जो आदमी यहाँ पे जुडिशियल मेंबर है एन के अंदर वो बाद में एक सर्टन नंबर ऑफ़ इयर्स के बाद जाके प्रमोट होके नेकलैट में आ जाए ये हो सकता है नेकलैट इज़ अ हायर अथॉरिटी कंपेयर टू ट्राइब्यूनल ठीक है हम लोग का वास्ता ज़्यादा किससे पड़ेगा ट्राइब्यूनल से पड़ेगा ना क्योंकि केसेस का फर्स्ट लेग कौन सा ट्राइब्यूनल और ट्राइब्यूनल के जजमेंट के बाद पीपल में प्रेफर नॉट टू गो फॉर एन अपील तो नेकलाइट का उतना बड़ा रोल नहीं जितना बड़ा रोल ट्राइब्यूनल का है यहाँ तक बात एकदम क्लियर तो है बोर्ड पर डेटा दिख रहा है पूरा प्लीज़ ये डेटा याद है एकदम तो। सेट हो रहा है दिमाग में ये डेटा याद हो रहा है तब जाके इसको मिटा के अगले में मूव करेंगे ठीक है पर यहाँ तक क्लियर नीचे सेक्शन नंबर 407 डेफिनेशंस। सेक्शन नंबर 407 डेफिनेशंस। पेज है 252, 252 मिल गया सबको uh, मिला क्या ये क्लियर है तो डिस्कस करूं मैं डेफिनेशन एक क्या करके सबसे पहले चेयरपर्सन तो चेयरपर्सन का मतलब क्या है इट मींस द चेयरपर्सन ऑफ द ट्राइब्यूनल सेकंड जुडिशियल मेंबर अच्छा जुडिशियल मेंबर तो दोनों तरफ हो सकता है ना इधर देखो ट्राइब्यूनल का या फिर ट्राइब्यूनल का दोनों तरफ हो सकता है पढ़ो जुडिशियल मेंबर मींस अ मेंबर ऑफ द ट्राइब्यूनल और एपोलेट ट्राइब्यूनल ठीक है एज सच नाउ होल्ड अ सेकेंड जस्ट अ सेकेंड इधर एक बहुत अच्छी बात है ये प्रेसिडेंट और जो चेयरपर्सन दिख रहे हैं प्रेसिडेंट चाहिए ये जज टाइप के लोग हैं कि टेक्निकल टाइप के लोग हैं जज टाइप के तो इन लोगों को भी क्या माना जाएगा जुडिशियल मेंबर ऑब्वियसली जो टॉप पे बैठा हुआ है तो वो तो खुद जुडिशियल टाइप का आदमी होगा ही कैन नॉट बी टेक्निकल तो इसलिए ये दोनों भी क्या मानेंगे जुडिशल मेंबर अब वो सेकंड वाला डेफिनेशन पढ़ूँगा वाल क्या लिखा है जुडिशियल मेंबर का मीन्स अ मेंबर ऑफ द ट्राइब्यूनल और एपलेट ट्राइब्यूनल अपॉइंटेड एज सच एंड इंक्लूड्स मिल गया प्रेसिडेंट और द चेयर पर्सन एकदम सही है ठीक है थर्ड मेंबर अरे मेंबर में तो सबको ही आएगा मेंबर में तो छः का छः आएगा कि नहीं मेंबर में जे एम आएगा मेंबर में टीएम आएगा मेंबर के अंदर पी आएगा मेंबर के अंदर कैमरा वन ही है तुम आराम से चल सकते हैं। मेंबर के अंदर जे एम आएगा टी एम आएगा और फिर ये क्या नाम है इसका ये लोग भी आएंगे पी सी भी आएगा ठीक है नीचे नंबर फोर प्रेसिडेंट मीन्स द प्रेजिडेंट ऑफ द इस साइड ट्राइब्यूनल ठीक है नंबर ई टेक्निकल मेंबर टेक्निकल मेंबर भी तो दोनों तरफ है उधर भी है इधर भी है तो नीचे टेक्निकल मेंबर मेंबर ऑफ द ट्राइब्यूनल और द द्राइब्यूनल तो आसान डेफिनेशन है अच्छा वॉट डू यू थिंक डेफिनेशन आने वाला एग्जाम में ना खाली इतना जरूर याद रखो कि प्रेजिडेंट और चेयरपर्सन ये दोनों कौन से टाइप के एम है जे एम कि टी एम जे एम मेंबर <laughs> 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 नीचे मैं दो सेक्शन नंबर बोल रहा हूं ध्यान से देखना दोनों फालतू है चार सौ इस साइड तुम्हारे को दिख रहा होगा इस साइड चार सौ आठ और इस साइड है चार सौ दस साइज देखो <coughs> मिला क्या क्या बोला है दोनों में इस, इन दोनों सेक्शन में चार सौ आठ में बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट ट्राइब्यूनल कर डाला एनओजी लाके फर्स्ट जून दो हजार सोलह चार सौ बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट अपलेट ट्राइब्यूनल कर डाला अगेन फर्स्ट जून 2016 दो हजार सोलह को बाई कम एनओजी तो ये दो सेक्शन के ऊपर कोई सेट तो होना नहीं है क्वेश्चन ठीक है ये तो, ये दो तो तो दो सेक्शन है विच आर जस्ट गिविंग द पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू से ट्राइब्यूनल तो कोई महान चीज तो है नहीं इसमें तो 408 और 410 को पढ़ लो एक साथ ही 408 सौ आठ द सेंट्रल गवर्नमेंट फिर से सुनो जब इस चैप्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट बोला सेंट्रल गवर्नमेंट डोंट मैनिपुलेट दैट ठीक है द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन ऑबली एनओ जी कॉन्स्टिट्यूट विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट अरे भाई डेट लिखो फर्स्ट जून टू थाउजेंड सिक्सटीन ये लोग तो फ्यूचर टेंस में लिखा है ना अब तो पास टेंस हो गया है एज मे बी स्पेसिफाइड देर इन ट्राइब्यूनल टू बी नोन एज नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड सच नंबर ऑफ जुडिशियल एंड टेक्निकल में सेंट्रल गवर्नमेंट में डीम नेरी यह डीम ने तो होना ही है हाउ कैन यू हैव ए फिक्स नंबर एन सी एल टी पूरे हिंदुस्तान में एक होगा क्या सी मैं तुमसे ऐसा पूछ रहा हूं अच्छा एनसीएल आया तो किसको हटाया है सीएल को हटा दिया करेक्ट कंपनी लॉबोर्ड को हटा दिया सी एल हिंदुस्तान में एक था कि हर शहर में उसका एक ऑफिस था हर शहर नहीं बोलूँगा हर स्टेट बोलूँगा हर स्टेट में एक था ना ठीक है कैलकाटा में भी सी एल था कि नहीं था ये बंगशालकोट एरिया के अंदर ही तो एन के अंदर कितने जे होंगे इसका आज निश्चित कर पाना तो मुश्किल नहीं है मतलब मुश्किल है यू हैव टू सी कि कितना एन बनेगा कितने बेंचेस बनेंगे अच्छा एक बात और मैं तुमको बोलना चाहता हूँ एक जुडिशरी बॉडी जो बनता है एक इलाके में सपोज कैलकाटा में जो एन है कैलकाटा में जो एनसीएलटी है उसमें तुमको क्या लगता है गेंद के तीन आदमी बैठता होगा सारा केस सुनने के लिए कि बहुत सारे जजेस होंगे बहुत सारे होंगे जब, जब जब जो जो केस का सुनवाई करना है तब एक बेंच बना दिया जाता है बेंच का मतलब समझ लो यहाँ पर बेंच का मतलब होता है एक दो या तीन जजेस का एक दो या तीन जजेस का ग्रुप जो जाके उस केस को सुनेगा दॉल अ बेंच ठीक है नॉर्मली मूवीज में जो दिखाया जाता है दैट इज अ सिंगल मेंबर बेंच एक जज बैठता है ना पीछे वो गैवल्य लेके ठीक है वो जो मतलब नॉर्मली मूवीज में क्या दिखाता हूँ एक वो ऊपर रेस्ट पोडियम डायस है जिसके ऊपर इज अ जुडिशियल कि जज सिटिंग ओवर है ठीक है तो एक ही होता है ना दॉल्ड सिंगल मेंबर जज दो बैठे हैं तो सिंगल मेंबर बेंच उसको बोलते हैं क्या सिंगल मेंबर बेंच दो बैठे हैं तो टू मेंबर बेंच तीन बैठे हैं तो थ्री मेंबर बेंच फोर बैठे हैं तो फोर मेंबर बेंच नाउ केस जितना बड़ा होता है या जितना सीरियस होते जाता है आपको बेंच का साइज उतना ही बड़ा करना पड़ेगा बेंच का साइज मतलब यू विल हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन अ पर्टिकुलर बेंच यू विल हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन अ पर्टिकुलर बेंच नॉर्मली वन मेंबर बेंच इज इनफ नॉर्मली फिर से सुन लो नॉर्मली वन मेंबर बेंच इज इनफ बट लेकिन मामला थोड़ा सीरियस है टू मेंबर बेंच और थोड़ा सीरियस है थ्री मेंबर बेंच और सीरियस है फोर मेंबर बेंच इस तरह से ठीक है तो एक बेंच पे जो नंबर ऑफ जजेस बैठ रहे हैं वो बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है वो जो रेस्ट पोडियम होता है ना जिसके पीछे कोर्ट में वो जज बैठा हुआ रहता है दैट इज अ प्रॉपर बेंच ओके नाउ आई डोंट नो इफ यू हैव वॉच्ड सेवरल मूवीज अगर तुम डॉक्यूमेंट्री मूवीज वगैरह देखोगे ना छोटा छोटा तो उसमें तुमको पता चलेगा कि हम लोग तो जब भी अदालत या कोर्ट दिमाग में आता है तो वी व्यू लाइक अ बिग मैसिव कोर्ट टाइप का स्ट्रक्चर है नीचे बहुत सारा डेस्क बेंच लगा है लोग बैठे हैं एक वो बैठा हुआ क्या है क्या नाम है इसका ये जज बैठा हुआ है रेस पोडियम पे दो तीन साइड में खड़ा है वो उसका स्टाफ स्टाफ जो भी बोल लो ठीक है हेल्प करने के लिए तो वैसा बट इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दैट ठीक है कोर्ट डज नॉट मीन द ब्यूटिफुल इंफ्रास्ट्रक्चर और द बिग इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्ट सिंपली मीन्स एक स्मॉल रूम के अंदर भी अगर नॉर्मल बेंच पे भी वो जज बैठ गया और पार्टीज को बुला के हेयरिंग करा तो वही बन जाएगा कोर्ट वही बन जाएगा कोर्ट कोर्ट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है ठीक है जैसे फैमिली मतलब तुम्हारा घर है क्या फैमिली मतलब तुम्हारा घर नहीं है ना फैमिली मतलब तुम्हारे फैमिली में जो भी मेंबर्स उनका वो ग्रुप को बोलते हैं फैमिली वैसे व्हेन यू से कोर्ट इट डज नॉट मीन इंफ्रास्ट्रक्चर इट स जहां पर जज बैठा है और जहां बेंच है जहां हियरिंग चल रहा है दोनों पार्टीज के बीच में दैट्स कॉल्ड अ कोर्ट क्लियर है तो जज जिस पे बैठ के आपको वो जजमेंट दे रहा बेंच तो बेंच सिंगल मेंबर भी हो सकता है खाली एक जज बैठा है डबल मेंबर भी हो सकता है ट्रिपल भी हो सकता है उससे ज्यादा भी हो सकता है ठीक है अच्छा एक चीज है आपको ज्यादा क्यों चाहिए एक से काम नहीं होगा ज्यादा क्यों चाहिए ज्यादा इसलिए चाहिए बिकॉज उस पर्टिकुलर केस में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट को लेके यू नो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट अलाइड लॉ उस पर्टिकुलर केस में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट को लेके इतना कड़ा मतलब चल रहा है हिसाब किताब इंटरप्रिटेशन को स्टैट्यूट लेके कि दे मे बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डोप देर मे बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि एक जज के बेंच से नहीं होगा दो तीन को बिठाइए देखें सबका क्या क्या ओपिनियन आता है ठीक है कई बार तो मतलब यू हैव सेवन मेंबर बेंच ऑल्सो सेवन मेंबर बेंच समझता है मतलब हर एक जन अपना अपना ओपिनियन रेंडर कर रहा है इतना बड़ा बेंच है मतलब वो कितना बड़ा केस होगा वो कितना बड़ा केस होगा कि यू नीड अ सेवन मेंबर बेंच सेवन जजेस बैठ के अपना अपना वर्डिक्ट दे रहे हैं कि मेरे हिसाब से ऐसा मेरे हिसाब से ऐसा उसके हिसाब से ऐसा फिर जो मेजॉरिटी बोलेगा सो जीतेगा तुमको समझ में आ रहा है चीज कितना हैवी है बेंच मतलब क्या जहां वो जज बैठ के जजमेंट देता है अच्छा एक डाउट आ रहा है मेरा डाउट ये है व्हाट इफ देयर इज एन इवन नंबर नंबर चार मेंबर्स का बेंच है दो बोला फेवर और दो जन बोल रहे हैं अगेंस्ट अब क्या होगा टाई हो गया ना तो अब सुनो क्या होगा टाई ब्रेकर का आंसर गलत मत दे देना कई जन पढ़, सुनते बोलेगा हाँ यही तो था ना पूरा सुनना प्रेसिडेंट पिक्चर में आएगा लेट्स से ट्राइब्यूनल है तो वो जो बैठा था ना फोर मेंबर बेंच हमेशा याद रखो जो बेंच होता है ना उसमें अगर बहुत मेंबर्स हैं मतलब तीन मेंबर हैं थ्री या थ्री से ज्यादा हैं थ्री या थ्री से ज्यादा मेंबर्स है ना तो मेजॉरिटी हमेशा जे एम होगा ठीक है जैसे मैं एग्जांपल बोल रहा हूं कि चार मेंबर का बेंच है तो उसमें कम से कम भी मेजॉरिटी मतलब चार में क्या होता है तीन तो तीन जुडिशियल मेंबर होंगे और एक टेक्निकल मेंबर होगा लाइक like दैट तो अब इनमें हो गया टाई दो जन बोला हाँ दो जन बोला ना ठीक है तो द मैटर विल बी रेफर टू द प्रेसिडेंट नाउ प्रेसिडेंट इज़ नॉट गोइंग टू गिव द टाई ब्रेकर वोट जो तुम सोच रहे हो कि प्रेसिडेंट आएगा टाई ब्रेकर टाइप का जजमेंट दे देगा बात ना प्रेसिडेंट क्या करेगा अगर देखेगा कि इस तरह की सिचुएशन हो रही है कि इवन नंबर बेंच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इक्वल हो गया है तो फिर वो उस बेंच पे एक और मेंबर इंजेक्ट कर देगा ठीक है खुद नहीं तोड़ेगा वो एक और मेंबर इंजेक्ट कर देगा टू सॉल्व द मैटर तो फिर अब वो जो एक एक्स्ट्रा मेंबर आया वो जो ओपिनियन देगा उसी तरफ सब चला जाएगा ये क्लियर है समझ में आ रहा है पहले ये क्लियर है अच्छा इज इट पॉसिबल जैसे जैसे मैं ये लाइन बोला कि टाई को तोड़ने का तरीका क्या भाई टाई को तोड़ने का तरीका है दो जन ये वाले हैं मतलब नॉट ये वाले मीन्स लाइक जे दो जन फेवर वाले हैं दो जन अगेंस्ट वाले हैं चार जन का बेंच था कितने जन का बेंच था चार जन का बेंच था दो फेवर में दो अगेंस्ट में तो अब क्या होगा द मैटर विल बी रेफर टू प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट विल रेफर द मैटर टू वन मोर मेंबर अब वो मेंबर जो बोलेगा उसी तरफ आंसर चला जाएगा करेक्ट मेरा एक डाउट है वो डाउट ये है प्रेसिडेंट खुद भी तो एक मेंबर है प्रेसिडेंट खुद भी तो एक मेंबर है तो रादर देन प्रेसिडेंट रेफरिंग द मैटर टू एनी अदर मेंबर प्रेसिडेंट खुद भी तो बोलता है ये होगा बात खत्म तो डाउट को क्लियर रखो प्रेसिडेंट खुद भी बोल सकता है या किसी मेंबर के हवाले से भी कहलवा सकता है सेक्शन में लिखा हुआ है जो सेक्शन में आगे लिखा हुआ है वो ये है जब भी ऐसा टाई वाई कुछ हो जाए जब भी ऐसा टाई हो जाए मतलब दो फेवर दो अगेंस्ट तो उस केस में द मामला विल गो टू प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट विल रेफर द मैटर टू अ मेंबर और जो मेंबर बोलेगा वो होगा ऐसा लिखा है वहां तो इस लिखे वे का अनुवाद क्या है इस लिखे वे का इंटरप्रिटेशन ये है ना कि प्रेसिडेंट खुद भी तो कर सकता है बिकॉज ही हिमसेल्फ इज मेंबर पर प्रेसिडेंट किसी दूसरे मेंबर को भी दे सकता है कि नहीं आप बताओ क्या करना है इसको टाई को कैसे रिजॉल्व करना है आर यू क्लियर ऑन दिस ठीक है अब एक बार सोचो हर बड़े शहर में मतलब इंडिया सो मेनी स्टेट्स हर स्टेट के अंदर ऑलमोस्ट नॉट आई नॉट से कि हर स्टेट के अंदर बट ऑलमोस्ट हर बड़े स्टेट के अंदर ठीक है यहां तो तुमको ये बता देता हूं कि हर इस बड़े स्टेट के अंदर हाई कोर्ट भी नेसेसरी नहीं है इंडिया में 24-25 पच्चीस कोर्ट्स है हर एक स्टेट में हाई कोर्ट्स भी नहीं है तुम अगर सोच रहे तो इन दैट वे यू माई पॉइंट हर जगह वो भी नहीं मिलेगा आपको हाई कोर्ट अब सुनो तो जितने भी बड़े स्टेट्स हैं सब जगह अपना ये एनसीएल है नेशनल ट्राइब्यूनल तो ट्राइब्यूनल के अंदर बेंचेस है ध्यान सुनो सोचो इस एन एबस्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इट बेंच लाइक ये डेरा बेंचेस ठीक है बेंच मतलब बेंच तो बनता है टूटता है बनता है टूटता है तो हर ट्रैवल के अंदर बहुत सारे बेंचेस होंगे जब भी एक जजमेंट के लिए एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है तो उसमें एक जज या दो जज या तीन जज आ सकता है या ज्यादा भी आ सकता है टू लिसन टू द केस टू एक्सपेडाइट टू पास एन ऑर्डर अरे इन पर प्रेशर होता है दे आर टू एक्सपेडिशली डिस्पोज द केस अभी आजकल क्या हो गया ना तुमको तो मालूम है हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे करोड़ों केसेस पेंडिंग चल रहे हैं ठीक है ठेके? मतलब एक नंबर भी आया था लाइक like, तीन साढ़े तीन करोड़ केसेस इंडिया में पेंडिंग चल रहा है जो कि मजाक नहीं है तीन साढ़े तीन करोड़ इज अब लाइक बिग नंबर इतना केसेस पेंडिंग चल रहा है इतने साल से तो आजकल जितना भी नया लॉ बनता है ना उसमें वो लोग लिख देते हैं कि द ट्राइब्यूनल और द कोर्ट शेल ट्राई टू एक्सपेडिशियसली डिस्पोज द केस एक्सपेडिश मतलब एज सुन एज पॉसिबल जल्दी से हेरिंग करके आप केस को डिस्पोज करो नॉट एक्सीडिंग थ्री months. यहाँ कितना बोला हुआ है हर जगह अलग अलग होता है कहीं सिक्स months भी होता है यहां पे कितना बोला हुआ है थ्री मंथ्स कि ये लोग कोशिश करेंगे अब कोई बाइंडिंग नहीं है भाई सबूत नहीं मिला तो क्या बोले उस? लगा दो इसको सूली पे ऐसा तो नहीं हो सकता पूरा केस सुनना पड़ेगा दोनों पार्टी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देगा पर अदालत अपनी तरफ से क्या है एक्सपली डिस्पोज करने का कोशिश करेगा ठीक है अब देखो कोर्ट तो अपनी तरफ से ट्राई करेगा लेकिन अ लॉट डिपेंड्स ऑन द पार्टीज कि कब कौन क्या सबूत लेके आ रहा है नई सबूत लेके आ रहा है क्या काउंटर कर रहा है तो आर लॉट डिपेंड्स ऑन पार्टीज बट कोर्ट अपनी तरफ से ना जो डेट्स देगा ना हेयरिंग का वो क्लोज रहेगा वो ज्यादा गैप पे नहीं रहेगा जैसे आज एक हेयरिंग हुआ कुछ निष्कर्ष नहीं निकला अदर पार्टी ने बोला हमको एविडेंस के लिए और टाइम चाहिए कोर्ट बोले अच्छा ठीक है छह महीने बाद मिलेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए ना ये लोग कम से कम कोर्ट जो टाइम दे रहा है सिटिंग का वो फास्ट होना चाहिए ना धनाधन 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 क्योंकि मैं देखो अगर कोर्ट जल्दी डेट्स देना चालू कर दे हेयरिंग का एक मुकदमा है जिसमें सपोज पांच हेयरिंग लगेगा एक मुकदमा है जिसमें पांच हेयरिंग लगेगा अगर कोर्ट सिर्फ एक एक सप्ते का या तीन तीन दिन का टाइम देना चालू कर दे सपोज तीन तीन दिन का टाइम दिया है पांच हेरिंग है बारह दिन में खत्म बारह दिन में खत्म ना अरे वो मैथ्स वाला वैसा थ्री फाइव या फिफ्टीन नहीं होगा ना समझ गए ना मतलब बारह दिन के अंदर केस खत्म तो तुम लोग हेयरिंग फास्ट दो ना तुम लोग क्या करो हेयरिंग का टाइम फास्ट दो ज्यादा लेट क्यों कर रहा है अच्छा ये लोग हेयरिंग का टाइम लेट क्यों देता है मिलेंगे बीस दिन बाद ये ऐसे क्यों क्योंकि दे आर ऑक्यूपाइड एंड दे आर लेजी नॉट लेजी नॉट लेजी दे आर ऑक्यूपाइड ठीक है दे आर ऑक्यूपाइड ठीक है इनके पास बहुत सारा केसेस पेंडिंग चल रहा होता है तो सबका पहले से एडवांस में डेट्स दिया हुआ रहता है तो जो अगला डेट खाली होता है उस हिसाब से डेट देते हैं तो कम से कम ये लोग कोशिश करेंगे कि डेट्स कम कम टाइम की गैप पे दे दे ताकि केसेस केसिस एक्सपेडिश विद इन हाउ मेनी मंथ्स थ्री मंथ्स अच्छा थ्री मंथ्स में अगर डिस्पोज नहीं कर पाया तो और कितना टाइम में करेगा एक्स्ट्रा नाइन्टी डेज ना अब ये बोला अजीब है ऊपर मतलब ऊपर बोला थ्री मंथ्स फिर बोलता अगर थ्री मंथ्स में नहीं हो पाया तो और नाइन्टी डेज अबे तो नाइन् डेज में तो थ्री मंथ्स ही बोल लेता मतलब तो मैं फटाक से तुमको बोलता थ्री प्लस थ्री सिक्स मंथ्स मैं ऐसा बोलता है जैसे बाकी जगह बोला था प्लस थ्री पढ़ सेक्शन में लिखा है थ्री मंथ्स प्लस वैसे ही क्लियर है कहा पर था सेक्शन 408 में था मैं अब फिर पूरा पढ़ना पड़ेगा शीट फिर से पढ़ देते पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट विथ इफेक्ट फ्रॉम सच डेट अच्छा सच डेट क्या है फर्स्ट जून दो हजार सोलह एज मे बी स्पेसिफाइड इन अ ट्राइब्यूनल टू बी नोन एज नेशनल कंपनी ऑफ ट्राइब्यूनल कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रेजिडेंट एंड सच नंबर ऑफ टेक्निकल एंड जुडिशियल मेंबर्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में डीम नेरी जितनी इनको जरूरत है उतने जे एम टी एम लगेंगे ठीक है अच्छा मैं तो बोलूंगा कि एनसीएलटी भी बढ़ा देना चाहिए और एनसीएलटी क्रिएट कर दो एक स्टेट में एक एनसीएलटी क्यों एक स्टेट में और ज्यादा एनसीएलटीज क्रिएट कर दो तो धनाधन धनाधन और फटाफट केस डिस्पोज होगा कि नहीं होगा मे नेसेसरी टू बी अपॉइंटेड बाय बाय नोटिफिकेशन अरे हर चीज में तो नोटिफिकेशन है टू एक्सरसाइज एंड डिस्चार्ज सच पावर्स एंड फंक्शन एज आर और मे बी कन्फर्ड ऑन इट बाय और अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स जुडिशरी वही फंक्शन डिस्चार्ज करेगा जो लॉ बोलता है चाहे ये लॉ हो चाहे कोई दूसरा लॉ हो अ अच्छा, एक तरह से ये भी तो कोर्ट है तो कोर्ट का प्रोसीडिंग्स का एक तरीका होता है कि नहीं होता है होता है कि नहीं होता होता है ना कि अदालत की कार्रवाई ऐसे की जाएगी तो कैसे की जाएगी कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर नाइनटीन जीरो एट ठीक है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है ना उसके हिसाब से ऐसे ऐसे कोर्ट का प्रोसीडिंग्स कैरी ऑन किया जाएगा हर एक चीज है तुमने नाम से ना ऑफ कोर्ट होता है ना कैसे हियरिंग चल रहा है जैसा हम लोग देखते हैं फिल्मों में कोई खड़ा होकर चालू करता है मतलब कंटेम्प्ट कोर्ट निकाल दो ऐसा तो ये सारा चीज कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में दिया हुआ है कि किस तरह से पूरा प्रोसीडिंग्स कैरी ऑन किया जाएगा नीचे फोर जीरो एट क्लियर है अच्छा फोर हंड्रेड टेन भी बगल में देख लो ना वो सेम डेट वैसा ही होगा फोर हंड्रेड टेन द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट विध इफेक्ट फ्रॉम सच डेट फिर से वो सच डेट का मतलब क्या है

तो बोलते हैं नॉट एक्सीडिंग इलेवन अंडरलाइन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में डीम फिट टू बी अपॉइंटेड hearing नोटिफिकेशन फॉर हेयरिंग अपील्स अगेंस्ट the तो इनका तो फंक्शन भी लिखा है ऊपर तो बोलता था फंक्शंस क्या होगा पावर्स एंड फंक्शंस एज मे बी प्रस्क्राइब बाय दिस लॉ और एनी अदर लॉ इन द फोर्स यहां क्या लिखा है फॉर हेयरिंग अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ ट्राइब्यूनल तो so, ट्राइबुल ने जो भी ऑर्डर पास किया उसके खिलाफ अपील एंटरटेन करने के लिए बनाया नैलाइट नेकलाइट से मामला फर्दर कहाँ जाएगा सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को इस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है कि नहीं यू ऑलरेडी हैव अ सुप्रीम कोर्ट ठीक है यहाँ तक बात खत्म अच्छा तीन सेक्शंस अभी बढ़ाए चार सौ सात चार सौ आठ चार सौ दस मैंने तीनों में से कोई भी टिक नहीं कराया होगा ठीक है इंपॉर्टेंट वाला ही करते हैं ना सबसे ज़्यादा टिक वगैरह तो अब नीचे चार सौ नौ दिख रहा है बुला लेफ्ट साइड में होगा 409 सुनो एक बार जस्ट 409 और 411 इन दोनों का हेडिंग पढ़ो खाली बोर्ड पे देखो एक बार कॉपी मत करना मेरे साथ बाद में लास्ट पर कॉपी करना मैं टाइम दूंगा ना कॉपी का ठीक है मेरे साथ मतलब मत, मत कॉपी करो इधर चार सौ नौ ग्यारह वहाँ से पड़ेगा मर जाएगा ठीक है इधर ट्राइब्यूनल अपलेट ट्राइब्यूनल तीन तरह के लोग हैं प्रेसिडेंट जेएम, टीएम टी मेंबर टेक्निकल मेंबर चेयर पर्सन पीसी बोला था ना पीसी तो पीसीसी फॉर चेयर पर्सन जे एम टी एम कौन कौन एलिजिबल है या क्वालिफाइड है या फिर क्वालिफाइड है टू बिकम मबर ऑफ दिस और दिस ठीक है वो डिस्कशन हो रहा है मेरा अभी पहले यहाँ तक क्लियर है क्या? ये भाई ठीक है ले आउट दिमाग में अब लेट्स फोकस ऑन चार सौ नौ नीचे साथ में कॉपी में जरूरत नहीं मैं बोल रहा हूँ मैं टाइम दूंगा ना बाद में एक साथ कॉपी हो जाएगा मेन मुद्दा है याद रखना भाई उसमें समझना कुछ नहीं है तुम मैं खड़ा हूँ पांच मिनट तुम रीड मारो फिर बोलो नहीं समझ में आया तो मान लेंगे सबको समझ में आएगा मेन लफड़ा है वो याद ही नहीं रहेगा जिस तरह से लिखा है ठीक है तो उसको याद करने पे फोकस करो नीचे 409 स्टार्ट करें हाँ हो सकता है हो भी सकता है अच्छा इस इसका एक डाउट है कि ये जो बेंचेस बैठते हैं जो बता रहे थे ना क्या उस बेंच में प्रेसिडेंट भी बैठ सकता है क्या तो पहला उसका जवाब दे देता हूँ जवाब है प्रेसिडेंट खुद भी एक जुडिशल मेंबर है तो प्रेसिडेंट भी उस बेंच पे बैठ सकता है ठीक है वन सेकंड ये जितनी भी बेंचेस बनती हैं कि एन के अंदर कोई भी केस होता है तो उस बेंच में जो मेम्बर्स अपॉइंट किए जाते हैं चाहे वो जे एम चाहे वो टी तो क्या उसको प्रेजिडेंट ही अपॉइंट करता है कि डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी कि कौन का ऑक्यूपाइड है डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी अगर इतने सारे केसेस हैं उनके पास कि सारे जेएम टीएम एग्जॉस्ट हैं तो प्रेसिडेंट खुद भी है। नहीं, नहीं। तो बैठ तो सकता है अच्छा फिर इसका एक डाउट है वो सुन लो ये चार जन का बेंच है चार जन का बेंच है तीन है एक टीएम ठीक है थीके? मैं बोल रहा हूं तो सोच पाएगा तो चार जन का बेंच है तीन जेएम एक है ठीक है ऐसे तीन जे एम एक टी एम ये वाला जो जे एम है थेके? ये प्रेसिडेंट है ठीक है यही तो जा रहे है ना ये वाला जे एम है प्रेसिडेंट है ओके तो चार जन हो गया अब दो फेवर में और दो अगेंस्ट में तो अब सॉल्व नहीं हो पाया ना तो प्रेसिडेंट तो आज भी यही आदमी है ना ये मामला रेफर करेगा टू सम अदर मेंबर, अब वो बोलेगा जो जजमेंट फिर उससे टाइट ब्रेक हो जाएगा ठीक है नीचे अब इनकी क्वालिफिकेशन क्या है देखो शांति से सोचना हड़बड़ी कुछ नहीं पहले तरीका सोचो याद करने का फिर अंदर घुसेंगे ना तो याद होते जाएगा ये वाला टाइप का जो आदमी है तो जजेस वजस ही होगा ये वाले तो जजेस वगैरह ही होंगे और नीचे वाले जो होंगे लॉयर हो सकता है या पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो भारत सरकार के अंदर इतने दिन से लीगल सर्विस में काम कर रहा है तो वो टाइप का पर्सन होगा सी हो सकता है सी हो सकता है सी हो सकता है तो दे विल भी टेक्निकल मेम्बर्स ओके अच्छा अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं ज्यादा क्वालिफाइड कौन होगा ये वाली बॉडी उसके ऊपर है ना ये वाली बॉडी उसके ऊपर है तो ज़्यादा क्वालिफाइड लोग किधर बैठेंगे इधर बैठेंगे यहां पे क्या होने वाला है मैं अभी तुमको जस्ट एक हिंट दे रहा हूं एक ग्लिम्स दे रहा हूं टेक्निकल मेंबर वाला जब मैं पोर्शन यहां लिखना चालू करूंगा ना यहां तुम पाओगे छह बुलेट है उसमें इसमें जब लिखूंगा तो छह बुलेट है खाली सुन लो तो उसमें मेजोरिटी का एक्सपीरियंस पंद्रह साल बोला है कितना बोला है पंद्रह साल मतलब प्रैक्टिसिंग सी ए सी ए सी डब्ल्यू ए पंद्रह साल अ पर्सन ऑफ एबिलिटी स्टैंडिंग एंड इंटेग्रिटी फेमस लाइन होता है ना एस पर्सन ऑफ एबिलिटी स्टैंडिंग एंड हु हैज बीन इंटेग्रिटीजी फॉर ओवर फिफ्टीन ईयर इन द फील्ड ऑफ टक 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 चालू हो जाता है वो तो इधर पंद्रह साल experience का एक्सपीरियंस का पैकेज है इधर पच्चीस साल experience का एक्सपीरियंस का पैकेज है तो यहां पे जैसे यहां से यहां मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट क्वालिफिकेशन और बड़ा हो जाएगा ना इधर अगर हाई कोर्ट का जज तो इधर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इधर अगर यहां अगर लिखा है हाई कोर्ट ऑफ जज फॉर फाइव इयर्स तो यहां सीधा लिखे रहेगा लिखा हुआ होगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट यहां अगर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लिखा हुआ है तो इधर सुप्रीम कोर्ट का जज आ जाएगा हमेशा जब यहां से हम मूव करोगे तो वो क्वालिफिकेशन और ऊपर की तरफ ही होगा यहाँ तक एक बार क्लियर है अंदर द प्रेसिडेंट अब भी हाँ।, हाँ हाँ ये 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 सब बंद कर दो एक बंद होगा समझ गया गलती से कभी अच्छा चलता है इसकी, फिर बोलता बंद कर दो नजर लग जाएगा इधर देखो भाई यहाँ कोर्ट जज है फाइव इयर्स वाला तो ये दोनों इससे ऊपर हो गए कि नहीं इधर सीधा बोला सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर हाई कोर्ट का चीफ जज जिसको चीफ जज नहीं बोलते चीफ जस्टिस बोलते हैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के जितने जजेस हैं उनमें जो टॉप जज होता है उस हाई कोर्ट का उसको बोलते हैं चीफ जस्टिस तो सीधा उससे ऊपर आ गया क्वालिफिकेशन एक झटके में वो उधर बोला हाई कोर्ट का कोई भी जज पाँच साल हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने का क्राइटेरिया ही सात साल हो जाता है मतलब अगर तुम हाई कोर्ट के जज हो पाँच सात साल तक तब जाकर के बनते हो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट तो ऑब्वियसली आदमी उसके तो ऊपर हो जाएगा ठीक है इन जनरल बोलूँ एवरेज एज ट्राइबूनल की ज़्यादा होगी कि नेकलैट की इसकी एवरेज एज ज़्यादा होगी बिकॉज एज इज बिकमिंग अ प्रीडोमिनेट फैक्टर ओवर ईयर वो टेनर कितना है सुप्रीम कोर्ट का जज या सीधा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तो इससे ऊपर हो गया वो अब इधर आते हैं जुडिशियल मेंबर सारे जज उस टाइप्स है ना जज लीगल बैकग्राउंड वाले हाई कोर्ट का जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज पाँच साल या फिर जो एडवोकेट रह चुका है किसी भी कोर्ट में अब इस बार कोर्ट का वो औकात नहीं बताया कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या हाई कोर्ट है बस बोला एडवोकेट है किसी भी कोर्ट का तो कितने साल तक है कम से कम दस साल इधर जैसे ही मूव करते हैं फिर बढ़ गया जो यहाँ था वो यहाँ गिर के और नीचे आ गया इससे इनफैक्ट उससे भी नीचे है वहां तो बोला कि हाई कोर्ट का जज है फॉर पांच साल यहाँ तो सिर्फ क्या बोला हाई कोर्ट का जज है कोई पांच साल वगैरह भी नहीं है बस हाई कोर्ट का जज है चाहे एक साल हुआ हो चाहे दो साल हुआ लेकिन अब इन लोगों की देखो एलिजिबिलिटी ये जो पोर्शन है अगर ये लोग पांच साल रह गए अपने इस पोजिशन पे देन दे बिकम एलिजिबल ओवर एन जो एनसीएलटी में जुडिशियल मेंबर रह चुका है कम से कम पाँच साल के लिए जो एनसीएलटी में जुडिशियल मेंबर रह चुका है कम से कम पाँच साल के लिए वो एलिजिबल होके प्रमोट होकर किधर नेक्लाइट में आ सकता है जरूरी नहीं क्या आएगा आ सकता है तो अगर आप जे एम रह चुके हो एनसीएलटी के अंदर ही फॉर फाइव इयर्स यू कम टू दिस साइड नाउ ये ये एग्जॉस्टिव है थोड़ा लंबा लेकिन आसान है याद रखना एक चीज़ नोट करो छह बुलेट में से पहले पांच में तो पंद्रह पंद्रह दिया हुआ है खाली एक लास्ट वाले में पाँच साल बोला है ना लास्ट वाले में पाँच साल से बोला है बिकॉज इस आदमी को उम्र ज़्यादा बचा नहीं है ठीक है इधर देखो लेबर कोर्ट मतलब क्या होता है सुनो आज़ादी जिस साल हुआ था ना उसी साल बना था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट नाइनटीन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट नाइनटीन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सी ए करिकुलम बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज का करिकुलम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है सुनो एम्प्लॉय एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट एम्प्लॉय एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर के बीच में डिस्प्यूट ये सारे जितने भी डिस्प्यूट्स हैं इनको बोला जाता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ठीक है एम्प्लॉयर लोग में डिस्प्यूट नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता एक बात सोचो एक ही इलाके के अंदर चार फैक्ट्री है अलग अलग कंपनी का ओके okay. <coughs> 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 एक ही इलाके में चार फैक्ट्री है अलग अलग कंपनीज का तो एक फैक्ट्री का जो एम्प्लॉयर है ना बहुत ही नेक दिल है उसने अपने लेबर लोग को ज्यादा बोनस दिया है सैलरी रेट भी ज्यादा दे रहे हैं बाकी तीन एम्प्लॉयर तो आके चढ़ जाएंगे इस पे कि तुम तो इस इलाके का पूरा वेज रेट ही बढ़ा दोगे बोनस ही बढ़ा दोगे तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर में भी तो डिस्प्यूट हो सकता है कि नहीं हो सकता है हो सकता है ना तो उन सारे डिस्प्यूट्स को कौन हैंडल करता है लेबर कोर्ट या ट्राइब्यूनल या नेशनल ट्राइब्यूनल मैं यहां वाली बात नहीं कर रहा वहां वाली बात कर रहा हूं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को लेबर कोर्ट या ट्राइब्यूनल या नेशनल ट्राइब्यूनल उनका वाला ठीक है तो बोलते है जो आदमी लेबर कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर जैसे यहां एनसीएलटी का प्रेसिडेंट नहीं होता क्या एनसीएलटी का प्रेसिडेंट वैसी कोई व्यक्ति जो लेबर कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर रह चुका है पांच साल तक उसको तुम यहां ला रहे हो टेक्निकल मेंबर तो इसका तो लाइफ ही ज्यादा नहीं बचा यह तो लेबर कोर्ट में ऑलरेडी टॉप में था ना ये लेबर कोर्ट का कोई नॉर्मल जज है कि लेबर कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ये लेबर कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है और वो भी होता है पांच साल तक कम से कम प्रिसाइडिंग ऑफिसर है तब जाके यहाँ आएगा ठीक है तो इसलिए इसके लिए पंद्रह साल नहीं हो सकता मरने के बाद थोड़ा आएगा यहाँ पे तो पांच साल ओके okay. बाकी सबका कितना दिख रहा है पंद्रह ये बीच वाले चार याद करना तो बेहद आसान है हम लोग जब भी नाम लेते हैं तिकड़ी का नाम एक साथ लेते ठीक है, है तो ये प्रैक्टिस वाला वाला चाहिए जॉब नहीं चलेगा ए एस आई का फुल फॉर्म एबिलिटी स्टैंडिंग इंटेग्रिटी और पक्का इसके अंदर की तरह बहुत सारा फील्ड का नाम लिखा होगा लॉ में फाइनेंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब मतलब लीगल टाइप की जो वर्ड्स है ना वो सब डाले हुए रहेंगे बोलेगा वो सब चीज़ का एक्सपीरियंस है इसको कम से कम कितने साल का पंद्रह तो यहाँ आएगा लेकिन यही ए जब तुम यहाँ ला रहे हो तो क्राइटेरिया पंद्रह के बजाय कितना हो गया पच्चीस साल एक एक्स्ट्रा आइटम है ये एंड इसको समझना थोड़ा सा हार्ड है इसका फुल फॉर्म वहां मिल जाएगा ठीक है इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस और इंडियन लीगल सर्विस ये भारत सरकार का पूरा जुडिशरी है इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस और इंडियन लीगल सर्विस उसमें यह आदमी कम से कम पंद्रह साल तक एम्प्लॉयड था यह गवर्नमेंट का है, ये कोई प्राइवेट नहीं इंडियन लीगल सर्विस गवर्नमेंट इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस गवर्नमेंट उसके अंदर ये पर्सन काम कर रहा है लास्ट पंद्रह साल से जिसमें कम से कम तीन साल इसकी पेमेंट जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल की है जॉइंट सेक्रेटरी क्या होता है एक डेजिग्नेशन है जॉइंट सेक्रेटरी क्या होता है इट्स अ डेजिग्नेशन ओके जॉइंट सेक्रेटरी इज अ सेक्रेटरीशन सेक्रेटरी समझता है मैं थोड़ा स्लो डाउन हो रहा हूँ सुनो भारत सरकार के अंदर जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं ना उसमें जो बड़े लोग होते हैं उनको ये सब नाम दिया जाता है डायरेक्टर या सेक्रेटरी जब तुमको कोई बोलता है सेक्रेटरी एम सी ए सपोज मैंने तुम्हारे सामने आके एक नाम बोला सेक्रेटरी एम सी ए तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अरुण जेटली का पी ए है उसका ये मतलब नहीं है सेक्रेटरी एम सी ए डज नॉट मीन डोंट थिंक सेक्रेटरी मीन्स असिस्टेंट वाला सेक्रेटरी या कंपनी सेक्रेटरी वाला सेक्रेटरी वो नहीं सेक्रेटरी इज अ डेजिग्नेशन आ, से, मतलब क्या होता है ना मिनिस्टर के जस्ट बाद जिस आदमी का मतलब क्या बोलते हैं वो पावर चलता है उसमें जो भी मिनिस्ट्री है उसमें उस बंदे को नाम दे रहे हो आप क्या नाम दे रहे हो सेक्रेटरी ही नॉट लाइक असिस्टेंट ऑफ द मिनिस्टर नो इज जस्ट द नेम ऑफ द डेजिग्नेशन ठीक है मेरी बात समझ में आ रही है सेक्रेटरी मतलब असिस्टेंट नहीं है सेक्रेटरी मतलब लाइक like टॉप बंदा एकदम वो ठीक है वो ही संभाल रहा है सब कुछ ओके okay? तो वैसे ही सेक्रेटरी के नीचे होता है जॉइंट सेक्रेटरी क्या होता है जॉइंट सेक्रेटरी तो ये आदमी जो है ही हैज बीन अ पार्ट ऑफ ही हैज बीन वर्किंग इन इंडियन लीगल सर्विस और इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस फॉर एटलीस्ट पंद्रह साल तो पंद्रह साल का एक्सपीरियंस है जिसमें कम से कम तीन साल तक उसका पैकेज कितना था जॉइंट सेक्रेटरी के बराबर वो आदमी बनेगा टीएम टेक्निकल मेंबर नाउ जितना क्वान्टिटी यहाँ उतना यहां तो नहीं है यहां तो लाइफ इज इजी तुम जैसे ये वाला पूरा लिस्ट पढ़ते हो तुमको तुरंत माइंड में आएगा अच्छा यार इधर तो एक ही था एस आई पच्चीस साल तो ये ऐसे ही याद हो जाएगा यहां पर यहां पर हाई कोर्ट का जज रह चुका है किसी भी हाई कोर्ट में देर आर सो मेनी हाई कोर्ट ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव हाईकोर्ट्स है किसी भी हाई कोर्ट में जज रह चुका है कितने साल के लिए पांच साल इधर कौन आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का कोई जज पर कोई साल वाल नहीं है कि नहीं। हाई कोर्ट का जज पांच साल तक तो सुप्रीम कोर्ट का जज भी पांच साल तक ऐसा कुछ नहीं बस बोला सुप्रीम कोर्ट का जज इधर बोला है हाई कोर्ट का एनी जज इधर क्या बोला हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ठीक है तो अब उसमें भी कोई एज वे ये ईयर वगैरह कुछ नहीं लिखा है कमिंग टू दिस इधर क्या हाई कोर्ट का जज रह चुका है कोई साल वाल कुछ नहीं है ये वाला और ये वाला सेम है ना जस्ट चेक एकदम डिट्टो सेम तो एटलीस्ट फर्स्ट पॉइंट तो दोनों का मैच कर रहा है हाई कोर्ट का जज है इधर भी हाई कोर्ट का जज है कोई ईयर वीयर कुछ नहीं दिया है, इधर है years, या है years, है, वो भी यहीं से निकल रहा है ना कि जो आदमी एनसीएल का जुडिशियल मेंबर रह चुका है कितने साल तक फाइव ईयर्स तक वो यहां बनने के लिए एलिजिबल है मतलब मैं अपने मेंटल में याद करने के लिए प्रमोशन वर्ड बोल रहा हूं बट प्लीज़ डोंट थिंक सो कि अगर यहां रह चुके तो पक्का यहां वो तो डिसाइड करेगा सिलेक्शन कमेटी कि आप आओगे कि नहीं आओगे इट्स जस्ट अ क्राइटेरिया अरे एक बात सोचो कल को कोई प्रैक्टिसिंग सी है हो गया उसको पंद्रह साल तो कि मेरे को बना दो तुम कौन होते है अपने आप को बनवाने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि तुम बनेगा कि नहीं बनेगा तुम अप्लाई कर सकते तुम बनवा नहीं सकता अपने आप को कुछ भी ठीक है तो ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ही मे भी कम ही में नॉट भी कम तो ये वाला पूरा कम से कम देख सकते हैं कि यहीं से फ्लो करके आ रहा है द फर्स्ट पॉइंट इज कॉमन हाईकोर्ट जज नो ईयर वगैरह कुछ भी और सेकेंड पॉइंट में इधर बोल रहे हैं कि जो यहां रह चुका है फॉर पांच साल वो यहां आ सकता है एंड थर्ड तो वहीं से भी कम करके डन है ये निश्चय चार सौ ग्यारह नहीं चार सौ नौ क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ़ एनसीएलटी पहला पॉइंट क्या लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ फॉर कितना ठीक है में मिलेगा तुमको, एक काम करो वहां ज्यादा हाईलाइट वाई करने का कुछ जरूरत नहीं तुम लिख दो रेफर कॉपी चार सौ नौ और चार सौ ग्यारह के बगल में लिखो रेफर कॉपी सीधा यहां पे आना ऐसे देख देखिए ठीक है नेक्स्ट क्वालिफिकेशन ऑफ जुडिशियल मेंबर ऑफ एन सी एल टी हाउ मेनी पॉइंट्स डू यू सी थ्री पॉइंट पहला पॉइंट जज ऑफ अ हाई कोर्ट कोई ईयर वीयर दिया है क्या नहीं सेकेंड पॉइंट जज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ईयर दिया है हाँ दिया है फाइव ईयर्स थर्ड एडवोकेट ऑफ अ कोर्ट कोर्ट का टाइप बताया है क्या ना बस बोला एडवोकेट ऑफ अ कोर्ट कितना साल टेन ईयर्स ठीक है फिर लास्ट क्वालिफिकेशन ऑफ थर्ड बॉक्स क्वालिफिकेशन ऑफ टेक्निकलबर्स ऑफ एनसी फर्स्ट पॉइंट हैजलीस्ट फिफ्टीन ईयर्स पंद्रह साल बीन अ मेंबर ऑफ आई सी एल एस आई सी एल एस का फुल फॉर्म देख लो जो बोल रहा था मैं इतनी देर से इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस और आई एल एस इंडियन लीगल सर्विस आउट ऑफ विच एटलीस्ट थ्री ईयर्स शैल बी इन द पे स्केल ऑफ अ ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट तो याद रखने के लिए मैंने ऐसा लिखा थ्री बाय फिफ्टीन ओके इससे मेरे को याद आएगा कि पंद्रह साल में तीन साल का कुछ बोलना था मेरे को तो क्या बोलना था मेरे को जॉइंट सेक्रेटरी का पेस का नीचे बी सी और डी तो ईजी है वो तो हमारी तिकड़ी है वो बी सी डी सी एस ई एस सी डब्ल्यू ए प्रैक्टिस वाला पंद्रह साल ठीक है डन है ओके यहाँ तक है क्या कई जन ना ऐसा पूछते हैं मतलब इसी पॉइंट पे कई जन पूछते थे मतलब डाउट का तो कोई और ही नहीं है ना उनका डाउट ये होता है सोचो ज़रा एक बंदा था चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर हो गया उसका ठीक है ट्वेंटी फाइव के एज में ही बिकेम सी ए फिर वो जॉब करने चला गया ओके अभी वो थर्टी का हो गया ठीक है अब वो प्रैक्टिस में ज्वाइन किया ठीक है थर्टी वन से लेकर थर्टी फाइव ईयर्स यानी फाइव ईयर्स वो प्रैक्टिस किया प्रैक्टिस नहीं चला फिर दो साल जॉब में चला गया ठीक है फिर थर्टी सेवन के एंड पे ही अगेन स्टार्टेड इज ओन प्रैक्टिस फिर पाँच साल प्रैक्टिस किया ठीक है फिर वो जॉब पे चला गया फिर वो पांच साल प्रैक्टिस किया तो इस आदमी का पंद्रह साल मानेंगे कि नहीं मानेंगे देख रहे डाउट का लेवल क्या होता है मतलब इसको बोलता कहाँ से उखाड़ के निकाला है जो इंस्टीट्यूट भी नहीं पूछेगा एग्जाम में इज इट नेसेसरी कि पंद्रह साल लगातार प्रैक्टिस में होना चाहिए नीचे ध्यान से देखिए इज़ इट कि लगातार पंद्रह साल प्रैक्टिस में होना चाहिए कि इसे तोड़ तोड़ के चलेगा तोड़ तोड़ के चलेगा कैसे भी था वो ठीक है उससे फर्क नहीं पड़ता बी सी और डी फिर नंबर ई इज अ पर्सन ऑफ प्रोवेन एबिलिटी फिर से आ गया वो एबिलिटी इंटेग्रिटी एंड स्टैंडिंग हैविंग स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ नॉट लेस देन पंद्रह साल अच्छा आप इसको किस किस चीज़ में एक्सपीरियंस है देखो एक्सपीरियंस इन लॉ इंडस्ट्रियल फाइनेंस इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट अकाउंटेंसी अच्छा अकाउंटेंसी मतलब इसका तो अब यह मतलब हो गया कि तुम अगर किसी कंपनी के अकाउंट डिपार्टमेंट में भी काम कर रहे हो अकाउंटेंट हो ठीक है बट यू हैव अ ग्रेट रेप्यूटेशन तो बन सकता है इसमें अकाउंटेंसी लेबर मैटर्स और सच अदर डिसिप्लिन रिलेटेड टू मैनेजमेंट कंडक्ट ऑफ अफेयर्स रिवाइवल रिहेबिलिटेशन एंड वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज किसी भी तरह से इन सब चीज़ों से कनेक्टेड हो पंद्रह साल का एक्सपीरियंस है अच्छा अब फिर एक डाउट आ रहा है डाउट ये पंद्रह साल किसी एक में कि ऐसे मिक्स करके भी चलेगा वो मिक्स करके भी चलेगा दस नॉट अ प्रॉब्लम ओके यहाँ तक ठीक है नेक्स्ट नंबर एफ इज और हैज बीन पाँच साल तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ लेबर को ट्राइब्यूनल नेशनल ट्राइब्यूनल अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट नाइनटीन फोर्टी ये एक्ट का नाम याद रखना बहुत आसान है ईयर की वजह से ठीक है दो एक्ट आता है लेबर लॉ के अंदर जो एकदम प्रिमेटिव है एक है ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट नाइनटीन फोर्टी सेवन और जस्ट इसके एक साल बाद फैक्ट्रीज एक्ट नाइनटीन फोर्टी एट मैसिव एक्ट एकदम साइज में पराई हो जाता है पूरा 1947, 1948 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट एंड फैक्ट्रीज एक्ट इंडस्ट्रियल संविधान बनने के पहले बना था ये दो स्टेट हिंदुस्तान के अंदर चार सौ दस तो पहले ही हो चुका उसके बाद चार सौ ग्यारह क्वालिफिकेशन ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ नेकलैट करें अच्छा इसमें भी तीन बॉक्सेस है वो यहां से कॉपी होगा वन चेयरपर्सन ऑफ नेकलैट अच्छा ऊपर दोनों में कोई भी साल लिखा है कहीं में कोई साल नहीं बस बोला है वो सुप्रीम कोर्ट का जज और ये हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नीचे द चेयरपर्सन शैल बी पर्सन हु इज और हैज बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट सेकंड पॉइंट जुडिशियल मेंबर ऑफ नेकलैट इधर ये पूरा तो वहां से निकल रहा है तो हाई कोर्ट का जज या फिर जो जे एम रह चुका है एनसीएलटी के अंदर फॉर पांच साल वो सेकेंड जुडिशियल मेंसन हू इज और हेज बीन जज ऑफ आई कोर्ट और इज अशियल मेंबर ऑफ द ट्राइब्यूनल फॉर फाइव इक क्लियर है लास्ट क्वालिफिकेशन ऑफ टेक्निकल मेंबर ऑफ नेक्लेट एस आई पच्चीस साल अंदर

मुझे इस साइड स्पेस ज़्यादा चाहिएगा इधर स्पेस कम ओके uh, okay, मैं बोलूं चार सौ ये भी मैंने पक्का स्टार करवाया होगा चार सौ क्या है सेलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट अच्छा पहली बात हु इज कॉन्स्टिट्यूटिंग हु इज एस्टैब्लिशिंग ट्राइब्यूनल या अपलेट ट्राइब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट तो सारे अपॉइंटमेंट्स कौन करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट रिपीट

प्रेसिडेंट को अपॉइंट कैसे करवाएंगे ऐसे नेकलैड के टेक्निकल मेंबर को और एनसीएलटी के जेएमटीएम को अपॉइंट कैसे करवाएंगे ऐसे अब ऐसे का मतलब क्या ऐसे का मतलब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को इन लोगों का नाम कौन डिस्कस करेगा सुझाएगा कंसल्ट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट दीज पीपल इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा अदर लोग भी हैं कनेक्शन दिख रहा है तुमको यहां दिख रहा है कनेक्शन इधर अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट को रेकमेंड कौन कर रहा है नाम ये आदमी तो कर ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहां भी था यहां भी था पर यहां पूरी कमिटी है उस कमिटी का नाम क्या है सेलेक्शन कमेटी कौन कौन है इस सेलेक्शन कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहां भी था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहां भी है अब और एक्स्ट्रा क्या है इसमें टोटल सिलेक्शन कमेटी जो है बैठा हुआ है जो ये नाम रेकमेंड करेगा इन लोगों का किसका नाम रेकमेंड करेगा ट्राइब्यूनल के तो जुडिशियल मेंबर टेक्निकल मेंबर दोनों का और फिर नेकलैड के टेक्निकल मेंबर का नाम कौन रेकमेंड करेगा पहला चीफ जस्टिस ही इज द चेयर पर्सन ऑफ दिस कमेटी अरे अगर आप कोई कमेटी बना रहे हो कमेटी तो कमेटी का भी तो कोई मुखिया होगा कि नहीं होगा तो इस कमेटी का हेड कौन है यही आदमी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाकी और कौन कौन है या तो कोई सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज होगा या फिर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा तो देख दो दो चीफ जस्टिस हो गया चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अच्छा थ्री फोर फाइव तो ईजी है थ्री फोर फाइव तो ईजी है सेक्रेटरी सेक्रेटरी मतलब फिर से बोल रहा हूँ मैं डोंट मतलब हम लोग का आदत हो गया सेक्रेटरी ओ सेक्रेटरी नॉट लाइक दैट सेक्रेटरी सेक्रेटरी जस्ट अ डेजिग्नेशन ठीक है तीन मिनिस्ट्रीज एम सी ए यू नो एम एल जे लॉ एंड जस्टिस एम ओ एफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ठीक है उनका सेक्रेटरी तो ये हो गया मिला के सिलेक्शन कमेटी अगर तुमको परफेक्शन में जाना है परफेक्शन में ध्यान से देखो यहाँ लिखा है इन कंसल्टेशन विथ और यहाँ क्या है? ऑन रिकमेंडेशन ठीक है ये डन है नीचे देखते हैं पहले क्लियर है तो नीचे चार सौ बारह Consultation with Chief Justice of India. The President Ibarmach Karatajana. The President of the Tribunal and the The President of the Tribunal and the Chairperson and Judicial Member of the Appellate Tribunal shall be appointed after consultation with Chief Justice of India. Second, appointment on recommendation of selection committee. मेंबर्स ऑफ द ट्राइब्यूनल मतलब बोथ टाइप्स ऑफ में ट्राइब्यूनल मतलब ट्राइब्यूनल एंड द टेक्निकलबर ऑफ दूनल शेल बी अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अलेक्शन कमेटी कंप्राइजिंग ऑफ तो सेलेक्शन कमेटी का हेड कौन है यही आदमी ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इज नॉमिनी डैश चेयरपर्सन चेयरपर्सन ऑफ दिस कमेटी वो चेयरपर्सन के आगे लिखो ऑफ सेलेक्शन कमेटी ऑफ सेलेक्शन कमेटी ठीक है फिर सेकंड में कौन है अ सीनियर जज ऑफ हाई सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट फिर थ्री फोर फाइव सेक्रेटरी एन एम सी ए सेक्रेटरी एन एम एल जे सेक्रट्री इन द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लास्ट डिफेक्ट अब ये डिफेक्ट क्या है सुनो छोटा सा पॉइंट है बोलता है मान लीजिए सेलेक्शन कमेटी में ना एक आदमी हाजिर नहीं हो पाया था सलेक्शन कमेटी में ये आ नहीं पाया तो सेलेक्शन कमेटी ने जो नाम रिकमेंड किया सब बेकार हो गए क्या नहीं चलेगा बोलता है एनी डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी शैल नॉट इनवैलिडेट द अपॉइंटमेंट ऑफ दिस पीपल अंदर नो अपॉइंटमेंट ऑफ द में ट्राइब्यूनल शेल बी इनवैलिड मीयरली बाई रीजन ऑफ एनी वेकेंसी वैकेंसी मतलब था डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी अरे सिलेक्शन कमेटी में जो पांच आदमी बोला है उसमें अगर थोड़ा उन्नीस बीस हो भी गया तो क्या उससे इन लोगों का अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगा क्या नहीं छोटी मोटी चीज़ों के लिए आप इनका अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दोगे मजाक हो रहा है क्या क्लियर है ये डिफेक्ट ख़त्म 413 अब आया टर्म ऑफ ऑफिस ये तो पहले करा चुका पिछले डायग्राम में टर्म ऑफ ऑफिस सुनो फर्स्ट डायग्राम जो कराया था ना उस पर जाओ कॉपी में इनका टैंडर्ड कितना होता है फाइव प्लस फाइव फाइव प्लस फाइव अच्छा और एक चीज़ है मिनिमम उम्र पचास साल फिर कुछ ऐसा था ना देखो इधर फाइव सिक्सटी फाइव सिक्सटी सेवन सिक्सटी सेवन सिक्सटी सेवन सेवेंटी नीचे चार सौ तेरह पे है क्या सबको पहला बॉक्स क्या है? टेनर ऑफ एनसीएलटी मेंबर्स। पहला बॉक्स देखो ना प्लीज पहले बॉक्स के लेफ्ट में खाली जगह है उधर लिखो ना फाइव प्लस फाइव सेकेंड बॉक्स रिटायरमेंट एज ऑफ एन सी एल टी सुनो उसमें तीन चीज मिलेगा तुमको एक कि प्रेसिड ऑफ एन सी एल टी प्रेसिडेंट का रिटायरमेंट कितना सिक्सटी सेवन जे एम और टी एम का कितना सिक्सटी फाइव मिनिमम एज कितना पचास साल देखो उसके अंदर मिलेगा सब सिक्सटी सेवन सिक्सटी फाइव फिफ्टी दिख रहा है ए और बी में रिटायरमेंट एज लिखा है और फिर प्रोविजो में मिनिमम एज लिखा है दिख रहा है क्या ए और बी में रिटायरमेंट एज है प्रेसिडेंट का 67 मेंबर्स का 65 और प्रोविजो में क्या बोला मिनिमम उम्र 50 इयर्स ठीक है थर्ड बॉक्स टेनर ऑफ एनसीएलएटी लिखो 5 5 अब फिर वापस नीचे फोर्थ बॉक्स रिटायरमेंट एज अच्छा चेयर पर्सन रिटायरमेंट एज 70 मेंबर्स 67 फिर एक प्रोविजो होगा मिनिमम उम्र 50 नीचे देखो 70 67 50 चार सौ चौदह मैंने टिक नहीं कराया होगा क्योंकि तुम उसका औकात देख लो नीचे है क्या टिक करने लायक बोलता है सैलरी अलाउंस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ऑफ सर्विस मेंबर्स क्या होगा बोलता है वही, है वही जो प्रिस्क्राइब है वही जो है तो इनका प्रिस्क्राइब क्या है इनका सैलरी का पूरा स्लैब प्रिस्क्राइब होता है एंड इट्स नॉट दैट सिंपल कि मैं ऐसे फटाक से बोल दू पचास हजार महीने का ऐसा नहीं है इनका जो पे स्केल प्रिस्क्राइब होता है ना इट इज मतलब वेरी कॉम्प्लेक्स वो बोलते हैं कि हम लोग के जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल ऑफ़ पे इतना होता है उस पे के हिसाब से इतना इंटू फाइव इंटू टेन ऐसे करके पूरा लिखा हुआ रहता है मतलब भयानक टाइप का पे स्केल होता है तो क्या अब इनकी सैलरी याद करें इतना बुरा दिन आ गया नहीं अपनी कमाई पर ध्यान देंगे इसकी सैलरी पर ध्यान देकर क्या होगा तो मेरे को याद नहीं करना है इसका सैलरी बस खाली एक बात है इसमें एक प्रोविज़ो डाला हुआ है और बोला है प्रोविजो डाला हुआ है वो प्रोविजो का पर्पज़ क्या आई विल टेल यू ठीक है मेरी बात ध्यान सुनो अच्छा मिटा दिया जो सेकेंड डायग्राम बनाया था ना उस पर कॉपी में जहाँ दोनों चार सौ नौ और चार सौ ग्यारह लिखा होगा बस चेक करो देना इधर ये देखो इधर चार सौ नौ चार सौ ग्यारह अभी एकदम शांति से सोचना जरा ये पहला आदमी कौन है यहाँ प्रेसिडेंट कौन है इधर लेफ्ट साइड में प्रेसिडेंट कौन है हाई कोर्ट का जज कितने साल तक अच्छा मतलब आप क्या कर रहे हो किसी एग्जिस्टिंग कोर्ट जज को जो पांच साल तक रह चुका है उसको वहां से उखाड़ के एनसीएलटी में डाल रहे हो तो उसकी सैलरी को गिरा सकते हो क्या मतलब जैसे वो बंदा गुजरात हाईकोर्ट में जज था पाँच साल हो गया उसको उसका एक पैकेज चल रहा होगा अभी ओके तो गवर्नमेंट ने अहमदाबाद में एनसीएलटी बनाया अहमदाबाद के अंदर या गांधीनगर में जहां पे भी एनसीएलटी बनाया तो उसमें उसको प्रेसिडेंट बना दिया बोला आप एनसीएलटी के प्रेसिडेंट हो ही इज़ वेरी हैप्पी ही नाउ द गवर्नमेंट से पे पैकेज जो है ना वो सैलरी अलावेंस रूल्स वाला वो इतना होगा जो कि तुम्हारे एग्जिस्टिंग पे से आधा हो गया ये चलेगा क्या तो बोलता ये शिफ्टिंग शाफ्टिंग कर रहे हो ना बैठ के वहां पे तो पैकेज गिर नहीं सकता इस आदमी का ठीक है दैट इज द प्रोविजो तो लॉजिकल बात है नीचे द सैलरी अलाउंसेज एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन सर्विस ऑफ द द द मेंबर्स ऑफ एंड दैलवी एज में बी प्रिस्क्राइब आगे प्रोवाइडेड दैट नाइदर द सैलरी वो प्रोविज तो अच्छा है ना द सैलरी नो द अलाउेंसेज इन अदर टर्म्स शैल बी वेरीड टू देयर डिसएडवाटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट ठीक है मतलब उनको जो भी अभी तक पैकेज पर्क मिलता था वो बल्कि गिरना नहीं चाहिए या तो सेम रहे या बढ़ जाए तो लॉजिकल है यहाँ तो डन है चार सौ चौदह टिकट नहीं है अभी जो अपना क्लास स्टार्ट हुआ मैंने चार सौ सात से लेकर चार सौ चौदह सेक्शंस कराया ये वही सेक्शनस हैं जो पहले ही नोटिफाई हो चुके थे पर आज तक एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल नहीं था एक बार क्या हुआ था कि शुरू शुरू की बात है दो टर्म तक मैं लगातार ये पढ़ा दिया था मेरी जो पुरानी कंपनी लॉ की बुक्स होगी ना मतलब एकदम पुरानी वाली तो उसमें मिलेगा ये चैप्टर रहता था बुक में मैं मतलब पढ़ा भी दिया दो बार ठीक है और हर बार पढ़ाने के बाद क्या होता था एग्ज़ाम के पहले यू नो आर आता आर टी उसमें लिख के पता भाई ये नहीं पढ़ना है ठीक है और मेरा पूरा एक क्लास का पढ़ाया हुआ जो खटनी है जीरो ठीक है फिर अगले टर्म में भी मैं किया फिर ज़ीरो फिर बोला बस बहुत हो गया फिर नहीं किया फिर अब सीधा अब कर रहे हैं ये ठीक है क्या अब बोलते हैं एप्लीकेबल है सो ये लो एप्लीकेबल है तो अब तो पढ़ना है अब तो इंस्टीट्यूट बोल दिया एप्लीकेबल है मतलब पढ़ना है तो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम अब नया सेक्शंस कुछ नोटिफाई हुआ है यहां से अब और नए सेक्शंस नोटिफाई हो गए यहां से 415 से लेके एंड तक चार तक तब उस पर भी दिमाग लगाना है हम लोग को ब्रेक के बाद लगाएंगे।